साथियों, मैं वायनाड जिले के अप्पापारा गांव में हूं, केरल में। ये मैं आपको चावल की खेती दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये चावल है। मैं सबसे पहले आपको चावल का पौधा दिखाऊंगा। ये चावल के ऊपर बालियां आ गई है, पौधे के ऊपर। ये चावल की बालियां हैं, चावल लग गए हैं। ये देखिए, ये चावल की बाली, ये बाली, और ये चावल का पौधा है। ये करीब आप देख सकते हैं 1.5 मीटर या कहीं 2 मीटर की ऊंचाई का है। ये नीचे से इसका पौधा देखिए आप, इस तरह का पौधा होता है। नीचे आपको और नीचे दिखाता हूँ, यहाँ से शुरू होता है और ये ऊपर तक पौधा। चावल के ऐसे पत्ते होते हैं। ये चावल है, अब देखिए चावल के खेत हैं। ये पूरा चावल है, ये देखिए चावल के ऊपर बालियाँ आ गई है। और जो आप आवाज़ सुन रहे होंगे, ये चावल के खेत में पानी लगातार लगभग भरा ही रहता है, तो ये पानी आ रहा है। ये देखिए आप, ये पानी इधर से आ रहा है। एक्चुअली ये जो इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है, देखिए आप। और बीच बीच में मैदान में चावल की खेती होती है। आप देख सकते हैं दूर केले की खेती अगर आपको दिखाई दे रही, तो दूर साथ में अलग अलग प्लांटेशन है, वृक्षारोपण, पौधारोपण, बगीचे। ये सामने नारियल के पेड़ भी दिख रहे हैं और अरकनट, सुपारी के पौधे भी, पेड़ भी हैं। क्या गजब की जैव विविधता है, चारों तरफ एकदम हरियाली। दोपहर का समय है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये बीच में, पहाड़ियों के बीच में जो घाटीनुमा इलाका है, मैदानी थोड़ा बहुत, वहाँ चावल की खेती होती है। आप देखेंगे, मैं ऊपर करके मोबाइल से वीडियो ले रहा हूँ। ये चावल की खेती है, देखिए आप देख सकते हैं। थोड़ा और दृश्य आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, ये पानी जो आ रहा है, ये इन पहाड़ों में से झरने टाइप, पहाड़ों में से रिस के पानी आ रहा है। छोटे छोटे झरने या स्ट्रीम, नालियाँ बहती, उसमें से ये पानी आ रहा है। ये देखिए, और ये पानी यहाँ से डाइवर्ट करके खेतों में लिया गया है। ये देखिए, ये तो ये चावल की खेती है। ये देखिए चावल लहलहा रहे हैं, ये देखिए। और नज़दीक से देख सकते हैं आप, हवा चल रही है थोड़ी बहुत, हवा में। ये देखिए, ये चावल के खेत हैं। और यहाँ जो ज़मीन है वो पहाड़ी है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहाड़ी ज़मीन को आप देख सकते हैं, ऊपर से नीचे तक टेबल नुमा, यानी एक लेवल फिर दूसरा लेवल। जैसे ऊपर वो थोड़ा खेत है, फिर ये नीचे खेत है, फिर ये इसके नीचे खेत है, फिर इस तरह करके आप और नीचे खेत देख सकते हैं। तो ये पहाड़ी नुमा इनको लेवल करके चावल की खेती की जा रही है। ये देखिए, ये थोड़ा नीचे, उसके नीचे और है, और आगे आपको चावल की खेती दिखाई देगी। ये सड़क है जहाँ व्हीकल जाते हुए दिख रहे हैं। पानी, जैसा मैंने आपको कहा, चावल में लगभग भरा ही रहता है। ये पानी और ये चावल का पौधा, नज़दीक से आप ऊपर आएंगे, ये देखिए, ये चावल की बाली है, बहुत नज़दीक से चावल के बीज ये हैं। इसी तरह आपका ये दूसरा खेत है, उस खेत में से ये पानी, जब वो खेत भर जाता है तो ये इस तरह पानी दूसरे खेत में आ जाता है। ये यहाँ फिर चावल के पौधे देखिए। और यहाँ से, जैसे मैंने कहा आपको, देखिए सीढ़ी नुमा खेती है, सीढ़ी है, अलग अलग खेतों की सीढ़ियाँ बनी हुई है, ऊपर नीचे ज़मीन समतल करके। इस खेत में जैसे पानी भर जाता है तो ये आउटलेट दिया हुआ है, यहाँ से नीचे चला जाता है। ये देखिए, ये जो चावल की खेती है, और बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य। ये देखिए, फिर से पानी भरा हुआ है चावलों के अंदर, ये चावल के पौधे।
ऐसे होते हैं। ये सीढ़ी नुमा खेती, इसके बाद में ये नीचे खेत, ये जो सीढ़ी नुमा खेत है ये ऊपर का खेत है, वहाँ इसको ज़मीन को लेवल करके खेत बना लिया गया। ढलान है पहाड़ी इलाके में, तो ये नीचे खेत बनाया हुआ है जैसा मैं आपको बता रहा था। और ये पानी आ रहा है ऊपर का खेत भर गया, तो वहाँ से पानी आउटलेट के द्वारा जब ये भर जाता है तो यहाँ से नीचे इससे ये आउटलेट ये चला जाता है। तो इस तरह एक खेत से दूसरे खेत में पानी भरता रहता है के माध्यम से आगे तक ले जाते हैं।